हाँ जी, तो अब हम खाना शुरू कर रहे हैं। खाना दो कॉफ़ी ली है। उस कॉफ़ी का तो मुझे नहीं पता ये कौन सी कॉफ़ी है। ये सपा खाती है सी फूड, समुद्री खाने के साथ सीवी है। सीवी के ऊपर मिसाला सी फूड। मैं पी रहा हूँ कॉफ़ी। And everyone is allowed to see this view. While speaking, should speak loud. This is view. Jannat hai, Jannat Puri. Yaar, jungle hai. जंगल से आगे समंदर है, समंदर के अंदर छोटे छोटे जजीरे हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। ऐसा लग रहा है कि जन्नत में बैठ के खाना खा रहे हैं। हमारा मुल्क इससे ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे गवादर है, गवादर में ऐसे पॉइंट होने चाहिए ताकि, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि बलूचिस्तान में बहुत पसमानदा इलाका उसको बनाया, लेकिन वो खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उन्होंने क्या किया होगा कि उन्होंने एक जगह दी हुई है वहाँ पे हर चीज़ है, डिस्को बने हुए हैं, सारा कुछ। तो इस तरह हमें पाकिस्तान में भी इसी तरह करना चाहिए कि जैसे गवादर है, गवादर बहुत खूबसूरत इलाका है, वो हमें फॉरनर के लिए देना चाहिए कि वहाँ पे टूरिस्ट हैं, लोग वहाँ पे रहें अपनी तरह से, जिस तरह मलेशिया में। अब तो दुबई है, दुबई भी तो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे भी दुनिया भर की अयाशिया, वो तो खैर पूरे मुल्क में ही है, लेकिन हमें भी गवादर को इसी तरह ही बनाना चाहिए कि वहाँ पे सारे हैं और इसी तरह वहाँ पे विजिटर हैं और हम काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, जिससे हमारी पाकिस्तान की मीशत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे पास इतना खूबसूरत जगह होने के बावजूद भी हम वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे। तो अभी हमें अब इमरान खान से उम्मीद है कि वो शायद कुछ ना कुछ करें हमारे लिए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपने जहन में से जहालत ख़त्म करनी पड़ेगी। एक तो अब सऊदी अरब है, दुबई है, मलेशिया है, वहाँ पर लड़कियाँ काम करती हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि वहाँ पर कोई किसी को छेड़ दे। ये गैर मुस्लिम मुल्क है, यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी लड़की की तरफ आँख उठा ले। हमारा असल में हमें भी तालीम लेने की बहुत ज़रूरत है। हमारे माशरे में तालीम की बहुत कमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जंग से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे अक्सर देखता हूँ कि एक लड़की घर से बाहर निकले तो पीछे 15-15 लड़के होते हैं। तो ये बच्चों को हमें तालीम देनी चाहिए कि वहाँ पर सब ही बराबर हैं। तो हमें अपने कुछ हमारे अंदर जो गलतियां हमें वो पूरी करनी चाहिए, और ताकि हम सीधे होंगे तो आगे हमारे हुक्मरान भी सीधे होंगे। अल्लाह ताला ने हमें अच्छा हुक्मरान दिया, इमरान खान, तो हमें भी सही होना चाहिए, हमें भी इमरान खान से फ़ायदा उठाना चाहिए। इतना सब आवाम को कहूँगा। इस वक्त मईशत हमारे मुल्क की बहुत ख़राब है, ये नहीं कि इस हुकूमत ने की है, ये मईशत हमारे वाले पहले हुक्मरानों ने की है। अभी वो दौर था कि जब डॉलर और रुपया एक बराबर था। आई डॉलर कहाँ पे है, रुपया कहाँ पे है, जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है डॉलर का रेट भी चेंज हो जाता है। तो अभी हम सब पाकिस्तानियों को हिम्मत करनी है, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। इसके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई मेरे ख्याल में 10 से 15 मिनट की। तो गाँव में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखें। ओके, खुदा हाफिज़। Awesome. The food is awesome. I think we should to go from this side. If you have beautiful wife, you have this condition. So don't marry with beautiful ladies. Beautiful wife, we should to do our work if we have.
like a not beautiful wife. She take care of us. Okay, bye bye. Okay, bye bye.